हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है रेशमगढ़ कॉलोनी में। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कंजेशन हो रही थी उसको चेस्ट में। तो कुछ सिम्टम भी लग रहे थे उसको, फ्लू टाइप। तो मैंने कहा कोई टेस्ट करवा लेते हैं इसका। तो गाइस मैं बता दूँ आपको कि ये जो जगह है यहाँ पर आपको टेस्ट करवाने के लिए भेजेंगे। बख्शी नगर में तो सिर्फ पेशेंट का ही कर रहे हैं, जो वहाँ के अंदर के पेशेंट हैं उनका ही कर रहे हैं, बाहर का नहीं कर रहे हैं। तो आज हम गांधीनगर भी गए थे, वहाँ पे एग्ज़ाम था तो वहाँ पे नहीं हुआ। तो हमें लगा कि हमें भी यहाँ भेजा गया। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे टेस्ट रहें। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या होने वाला है, देखते हैं कितनी गैदरिंग है, क्या कुछ है। चलिए, तो भाई इस टाइम मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं ये है साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो यहाँ पर रेशमगढ़ कॉलोनी में। बता दूं यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब टेस्ट कराने लोग आए हैं। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ गैदरिंग कितनी है। तो प्लीज़ अपने आप को बचाएं, अपनी केयर करें। ये देखें आप, गाइस एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मतलब कोविड के आप टेस्ट के लिए आएं, जो एक फॉर्म फिल करना आपने, यहाँ पे आपने अपना एज, नेम, अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है यहाँ पे। और एक बात बता दूँ, ये जो रेशमगढ़ जो कॉलोनी साइकेट्रिक हॉस्पिटल है यहाँ पे हो रहा है ये टेस्ट। तो गाइस अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको है, तो आप सिम्टम्स के अगर हैं, तो आप थोड़ा सा भी इसको आके यहाँ पे कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो गाइस एक बता दूँ आपको, एक दिन में एक टेस्ट होगा, जैसे RT-PCR टेस्ट है, ये आपने फिल करना है यहाँ पे। ये फॉर्म है गाइस, ये फॉर्म फिल करना है और यहाँ पे आपका सैंपल लिया जाएगा इस जगह पे। और उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद आपका टेस्ट 15 मिनट के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी गाइस। और गाइस एक बात बता दूँ, यही फॉर्म सेम है अपना आपका दूसरा RT-PCR के लिए, बट वो एक दिन में नहीं होगा, वो आपका दूसरे दिन में होगा। ये देखें आप, अगर आज के टाइम पे अगर आप क्लियर नहीं करोगे अपनी, तो हालत बड़े ख़राब होने वाले, इसलिए प्लीज़ केयर करें अपनी जितना भी हो सकता है। तो मेरा जो फ्रेंड है उसको तो थोड़ा चेस्ट कंजेशन वगैरह थी, तो इसलिए मैं उसके साथ आया हूँ। देखते हैं जब रिज़ल्ट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, देखें क्या रिज़ल्ट आने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं, रिज़ल्ट का टाइम अभी है, रिज़ल्ट आ जाए फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आने वाला है। ये हॉस्पिटल साइकेट्रिक सेंटर जो है रेशमगढ़ कॉलोनी में, बख्शी नगर में ही है ये। यहाँ पे आ गया, अपना टेस्ट करवाएं, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है थोड़ी सी भी कोई चेस्ट कंजेशन, कुछ सांस में, कुछ कोल्ड फ्लू, कुछ भी सिम्टम है, तो प्लीज़ यहाँ पे आकर टेस्ट करवाएं। तो अभी इतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन ये ना हो कि बाद में आपको ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़े, तो आके टेस्ट करवा लें और अपनी केयर करें गाइस। ये है वो जगह, बता दूँ जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, बट फिर भी हम RT-PCR के लिए जाएंगे। तो वो आज नहीं होगा, देखते हैं कल या परसों में होगा। तो चलिए गाइस, फिर भी अपना केयर करें आप। तो अगर थोड़ा सा सिम्टम लगता है तो आप अपना टेस्ट करना, इसको मैंडेटरी समझें, क्योंकि कुछ पता नहीं है, अभी हालात जो बहुत ख़राब होने के चांसेस लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा हो ना, लेकिन फिर भी आप अपना जो टेस्ट है वो करवाएँ। तो गाइस टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, चलिए चलते हैं घर। तो इसको हम थोड़ा रखेंगे, आइसोलेशन में ही रखेंगे कुछ दिन, तो उसके बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट, दो दिन में दोबारा हम RT-PCR करवाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और घर पर रहें, सलामत रहें, खुश रहें। बाय, टेक केयर।손을 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 수도 없어 지쳐가나 봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why Why reason why
절대 좋은 남자가